गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का प्रवाह। नियंत्रण प्रवाह की बात करें तो ये जो चैप्टर है अपने पिछले चैप्टर फिफ्थ जो हमने पढ़ा था पाइथन, उसी पाइथन से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें होता क्या वो पढ़ेंगे कि जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए कि जैसे ये एक रोड है और इसी रोड के माध्यम से यहाँ पर आपको एक विद्यालय जाना है। कहाँ जाना है? विद्यालय जाना है, यानी आपको स्कूल जाना है। अब जब आप स्कूल जाओगे तो स्कूल आप किसके माध्यम से जा रहे हो? जैसे बस के माध्यम से। अब जब बस के माध्यम से स्कूल जाते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें, यानी बच्चों के पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा दूरी होने की वजह से उन बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक ही ऑप्शन होता है और वो है भाई बस, यानी बस के द्वारा स्कूल जाया जाता है। अब इन जहाँ जहाँ रोड रोड पे कुछ दूरी पर, यानी कुछ सीमित दूरी पर एक मील मीटर लगे होते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना किलोमीटर का एक पत्थर होता है, उस पत्थर पे उसकी दूरी तय कर दी जाती है। ठीक है, तो अब उनके पास सिर्फ चॉइस जो ऑप्शन है वो एक ही प्रकार का है, वो ऑप्शन ये है कि वो बस के माध्यम से ही यहाँ स्कूल पहुँच सकते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम में अगर अगर हमारे पास कोई ऑप्शन आ जाता है कि मतलब दो प्रकार के कोई ऑप्शन है और उन ऑप्शन को दोनों में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, तो इसको अपन कह सकते हैं जैसे सिलेक्शन करना। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है इसी अंदर, इसमें नियंत्रण प्रवाह यानी फ्लो ऑफ कंट्रोल में। फ्लो ऑफ कंट्रोल में, फ्लो ऑफ कंट्रोल में ये होगा कि जब हमारे पास दो कोई कंडीशन होगी और उन दोनों कंडीशन में से कोई हमें एक कंडीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दो कंडीशन कैसे हो सकती है? एग्जांपल के लिए कि अगर जैसे आपके पास, सपोज आपके पास दस रुपये है, ठीक है, अब आप ₹10 में कम से कम आप दो तीन आइटम लाना चाहते हो, यानी तीन आइटम आपको खरीदने हैं। लेकिन जब आप दुकान पे गए और हमें पता लगा कि ₹10 के समान, यानी ₹10 के इक्वल हमारे पास कम से कम उस दुकान पर बहुत सारे आइटम है, ठीक है, नहीं ₹10 के इक्वल, यानी ₹10 के समान मिलने वाले कम से कम एक ही विकल्प के बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं एक हमारे पास ऑप्शन था और उसके बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। कैसे? जैसे मान लो पेन खरीदना था, अब हमारे पास देखा पेन की जो वैरायटी थी वो बहुत सारी है, लेकिन एक पेन लोगे ₹10 देने पड़ेंगे, दूसरी पेन लोगे तो ₹10 और देने पड़ेंगे, तीसरी पेन लोगे तो ₹10 और देने पड़ेंगे। तो उस स्थिति में जब हमारे पास बात आएगी कि जब एक ही कोई भी वर्ड, जैसे कोई प्रोग्राम आता है और उस प्रोग्राम में हमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शन में से हमें सिर्फ एक ही को सिलेक्ट करना होता है, यानी एक को ही सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद फिर प्रोग्राम में इस चीज़ का उपयोग करेंगे नियंत्रण प्रवाह। अब नियंत्रण प्रवाह का उपयोग करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं हमारे इसी चैप्टर में पाइथन में। अब वो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? जैसे एक तो होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन का मतलब होता है कि उसको आप सिलेक्ट करोगे, यानी जिसको हिंदी में कह सकते हैं चयन करना। किस प्रकार से चयन करेंगे? जो अभी मैंने आपको बता दिया कि एक ऑप्शन है और उसमें दो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, उन दो तीन ऑप्शन में, जैसे कि दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ऑप्शन में जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। कैसे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते? ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होते हैं? फोर्थ ऑप्शन होते हैं, जैसे ए बी सी या डी, ये फोर्थ ऑप्शन होते हैं। अब इन्हीं फोर्थ ऑप्शन में से किसी एक को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। जो राइट होगा वही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यानी इसके अंतर्गत हमें यह पता लगता है कि सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे विकल्प होंगे और उन सभी विकल्प में से हमें कोई एक विकल्प का चयन करना है, वो भी सही, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिपीटेशन। तो जो रिपीटेशन का अर्थ होता है वो होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जैसे कोई भी कार्य कर रखा है आपने और उस कार्य को आपको क्या करना है? रिपीट करना है किए हुए कार्य को वापस, यानी अगेन टू अगेन, एक ही कार्य को बार बार करना रिपीटेशन कहलाता है।
ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर है किसके नियंत्रण यानी फ्लो ऑफ कंट्रोल के, कि फ्लो ऑफ कंट्रोल के स्ट्रक्चर कौन से है। तो पहला स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सिलेक्शन है और सेकंड है रिपीटेशन। तो इन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पर हम प्रोग्राम के अंतर्गत क्या बनाएंगे, फ्लो ऑफ कंट्रोल करेंगे। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो इसके अंदर कुछ हमें स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से होते हैं। ये पढ़ने से पहले हमें डाटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर डाटा टाइप के बाद हमने देखा था ऑपरेटर, जो हमने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा था, तो डाटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो फिफ्थ चैप्टर में, तो फिफ्थ चैप्टर में जो जो थी वो लगभग सिक्स चैप्टर में भी मिलेगी आपको, जैसे डाटा टाइप। अब डाटा टाइप में कैसे होता है मैं बता देता हूँ, कि जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे दो वेरिएबल है, यानी सम ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर को जोड़ने का आपको क्या करना, प्रोग्राम बनाना है, सम ऑफ टू नंबर। अब सम ऑफ टू नंबर की जब बात करेंगे अपन, तो इसके अंदर हमें पता लगा कि ये दो टू नंबर हैं, कितने हैं, टू नंबर हैं। तो जैसे ए और बी, ये एक वेरिएबल हो गई, और बी भी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। जब इसका प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम बनाने के बाद जब हमें किसी ऐसी कंडीशन आएगी और उस कंडीशन में यह देखा जाएगा कि अगर हमें दो ऑप्शन दे दिए जाए और दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चयन करना हो, तो फिर वो सिलेक्शन होता जाएगा। और रिपीटेशन में क्या होगा कि कोई कार्य होगा या वर्क होगा, उसको बार बार अपन रिपीट करेंगे, यानी कब करेंगे, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, यानी रिक्वायरमेंट होने पर उसका अपन क्या करेंगे, पुनरावृत्ति की जाएगी। बिना रिक्वायरमेंट के अपन उसको पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। तो कंट्रोल ऑफ, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, फ्लो ऑफ कंट्रोल में यही पता लगता है कि इसमें क्या होता है कि वो स्टेटमेंट तब तक चलता रहेगा, जैसे कोई स्टेटमेंट आप अप्लाई करते हो तो वो स्टेटमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक उसको निर्धारित जो आपने डिसाइड किया था लक्ष्य वो प्राप्त नहीं होता तब तक। जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ, इफ का मतलब अगर ए लेस देन इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब मैंने कंडीशन क्या दी थी कि ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, 20 के बराबर, लेकिन हमें पता लगा कि ए की जो वैल्यू अभी फिलहाल 0 है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यहां एक फॉर्मूला लगता है i++, तो इसका मतलब एक की वैल्यू में आप 1 एक जोड़ते जाओ। तो जब आप ए की वैल्यू में 1 जोड़ोगे तब तक वो वैल्यू को जोड़ता रहेगा जब तक ए की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो जाती, 20 के। तो मतलब ये एक प्रकार की कंडीशन है और उसके सामने एक ही रास्ता है कि इसको ये प्राप्त करनी ही है, यानी ये इसको रिसीव करना ही पड़ेगा। अब ये रिसीव करने के लिए वो अपना तरीका अपनाएगा और अपने तरीके के अनुसार वो कार्य करेगा। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में भी यही होता है कि कोई कंडीशन अप्लाई कर दी जाएगी और उस कंडीशन को फॉलो करने का जो कार्य है वो अपन स्टेटमेंट के द्वारा पढ़े जाएंगे। फिर अपन इसके अंतर्गत, अब इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले क्या है, तो उस चैप्टर के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, किसका, फ्लो ऑफ कंट्रोल का। फिर इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इसके फ्लो ऑफ कंट्रोल के स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के दो होते हैं, एक तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर, एक रिपीटेशन और एक इंडिटेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर उसके बाद इसके पढ़ेंगे नेस्टेड लूप, और नेस्टेड लूप के साथ साथ अपन व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। अगर बुक में होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब आपको समझ में आएंगे तभी अपन नेस्टेड लूप को समझ सकते हैं, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट है, तो इस ब्रेक स्टेटमेंट के अंतर्गत जो कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत कुछ और स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जैसे इफ, इफ इल्स स्टेटमेंट, ठीक है, फिर स्विच स्टेटमेंट। तो इन सभी स्टेटमेंट का भी अपन अध्ययन करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे, अब इसके चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन करते हैं अपन किसका, फ्लो ऑफ कंट्रोल का। तो द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन प्रोग्राम नाउन एज ए फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी किसी ऑर्डर को अपन अगर निष्पादित करते हैं तो उस ऑर्डर को अपन क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल,
यानी मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि किस प्रकार से ऑर्डर को निष्पादित करना, जैसे कि यहाँ पर मैंने चीज़ बताई कि ई एफ इप करके मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी ए लेस देन इक्वल टू 20, तो इसका मतलब इस ऑर्डर को क्या करेंगे अपन निष्पादन करेंगे, और निष्पादन कब करेंगे कि उसकी वैल्यू ए की वैल्यू जब तक 20 नहीं आएगी तब तक ये निष्पादन करता रहेगा, और उसी को अपन कहते हैं कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी इनके लिए क्या बना हुआ है एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, उन्हीं कंट्रोल स्ट्रक्चर के आधार पर उनको इम्प्लीमेंटेड किया जाता है। ठीक है, पाइथन सपोर्ट टू टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, अब पाइथन में दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से, सिलेक्शन और रिपीटेशन, ये दो टाइप के आपके क्या है स्ट्रक्चर है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, और ये सिलेक्शन और रिपीटेशन हम चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी पहले से पढ़ के आए। ठीक है ना, कि सिलेक्शन क्या था और रिपीटेशन क्या होता है, सिलेक्शन वही हुए और रिपीटेशन भी उसी जो चैप्टर के आधार पे था उसी में जो लिखा हुआ वही पढ़ लेंगे, बस थोड़ा बहुत कुछ डेफिनेशन में अलग होगा वरना लगभग समान है। ठीक है, अब देखो बात करें अपन हिंदी में, तो एक प्रोग्राम में बयानों के निष्पादन का कर्म नियंत्रण के प्रवाह के रूप में जाना जाता है, यानी जो प्रोग्राम होते हैं और उन प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट होते हैं, यानी यहाँ पर आप बयान के जो स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, यानी स्टेटमेंट के निष्पादन का जो कर्म होता है, यानी जो स्टेटमेंट लिखोगे और उसको स्टेटमेंट को किस प्रकार से निष्पादित करने का जो एक ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को रूप में जाना जाता है कौन, फ्लो ऑफ कंट्रोलर। नियंत्रण का प्रवाह नियंत्रण संरचना का उपयोग करके लागू किया जा सकता है, पाइथन दो प्रकार की नियंत्रण संरचनाओं का समर्थन करता है, यानी कितने प्रकार के, दो प्रकार के नियंत्रण संरचना, जिनमें से एक तो होता है चयन और एक होता है पुनरावृत्ति। अब बात करें इन दोनों की, तो अब आज जो हम पढ़ने वाले जैसे चयन होता क्या है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे सामने एक से ज़्यादा कोई विकल्प हो, ठीक है, जैसे हमारे सामने एक से अधिक कोई विकल्प हो, पहली बात करते हैं अपन सिलेक्शन स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, एक से कोई अधिक विकल्प हमारे सामने उपस्थित हैं, एक से अधिक विकल्प हैं, तो उन विकल्प उनको उनमें से कोई एक विकल्प का चयन करना, कोई एक विकल्प का चयन करना ही क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। अब दो कैसे, किस माना कि आपको दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं घूमने के लिए, कि आपको जैसे पेरेंट्स ने कहा कि भाई आपको पिकनिक पे ले जाएंगे, और पिकनिक पे एक ऑप्शन आपको दे दिया कि हम उदयपुर जा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया कि हम सिरोही भी जाना है, तो इन दोनों में से बताओ कि हम कौन से स्थान पे जाएं, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगेगा वो ऑप्शन बताओगे कि भाई हम उदयपुर ही चलते हैं या फिर हम सिरोही ही चलते हैं, लेकिन खर्च जो पैसे होने वो उतने ही होने। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर हमें समझे, तो उन दोनों में से आपको कोई एक विकल्प सेलेक्ट करना होगा, तो ऐसी स्थिति में किसका उपयोग करते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर का, यानी जब हमारे सामने एक या एक से कोई अधिक कंडीशन होती है और उन कंडीशन दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन का जब हमें चयन करना होता है, तो वो फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर आता है फ्लो ऑफ कंट्रोल का। अब दूसरा माना कि सपोज करें कि आपके पास 10 रुपये हैं और 10 रुपये में आपको कोई पेन खरीदनी है। ठीक है, अब पेन खरीदने के लिए जब आप स्टेशनरी की दुकान पर गए, तो उसमें देखा कि 10 रुपये की पेन के अंतर्गत उसमें बहुत सारे वेराइटी की पेनें पड़ी है, यानी जो इनकी प्राइस है वो 10 रुपीज़ ही है, लेकिन 10 रुपीज़ की जो वैरायटी थी वो पेनों की वो आपके सामने बहुत अधिक है, तो उसमें क्या करोगे, उसमें जो अपन को पसंद आएगी वो चीज़ को अपन ले लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये होता है कि किसी भी प्रोग्राम के अंतर्गत जब हमारे सामने एक से कोई अधिक ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर सिलेक्शन के अंतर्गत इफ एल्स का प्रयोग करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। अब इस इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जब वैल्यू अगर ट्रू होगी तो फिर इफ को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो फिर एल्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो मतलब ये दो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, कि वैल्यू ट्रू होने पर इफ और वैल्यू फॉल्स होने पर एल्स का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कि अब ये स्थिति कब पैदा होगी, जैसे माना कि सपोज करें कि इफ
वही व्यक्ति वोट दे सकता है जिसकी एज है वो कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर से अब होनी चाहिए। तो मतलब जैसे एज ग्रेटर देन 18, तो अब इसके अंतर्गत हमने प्रिंट क्या करेंगे कि ये किसके लिए एलिजिबल है, वोट देने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर इसी में अपने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दी कि इफ एज 18 है तो मतलब ये किसके लिए एलिजिबल है, वोट देने के लिए, और अगर वो 18 नहीं है तो इल्स लिखेंगे और लिखेंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोट वोट। तो मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो उस पर लागू ज़रूर किया जाएगा। अगर वो एलिजिबल है तो फिर वो इसमें फैसला जाएगा, और एलिजिबल नहीं है तो फिर वो इल्स वाला स्टेटमेंट है वो निष्पादित हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं सिलेक्शन। देखो, ए डिसीजन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग फ्रॉम वन ऑफ टू मोर पॉसिबल ऑप्शन, यानी इसमें कह रहा है कि एक या एक से अधिक आपके सामने कोई विकल्प हैं और उन एक या एक से अधिक विकल्प में से किसी एक को अगर आपको चयन करना है तो फिर अपन इसका उपयोग करेंगे। जैसे कि इन प्रोग्रामिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन इज इम्प्लीमेंटेड विथ द हेल्प ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट। और फिर जब एक या एक से अधिक ऑप्शन होते हैं तो उन ऑप्शन में मदद करने के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट होता है, इफ इल्स स्टेटमेंट होता है, और इफ इल्स स्टेटमेंट के माध्यम से हम उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कि एक निर्णय में दो या अधिक संभावित विकल्प में से एक का चयन करना शामिल है। प्रोग्राम में निर्णय लेने या चयन करने की इस अवधारणा को इफ इल्स स्टेटमेंट की मदद से क्रियान्वयन किया जाता है। ऐसी जब कंडीशन आए, जब हमें पता लगे कि हमारा जो प्रोग्राम है या हमारा क्वेश्चन है और उसमें से हमें दो में से दो या दो से अधिक है या फिर एक कोई दो अधिक विकल्प में से किसी एक का चयन करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में इफ इल्स स्टेटमेंट के माध्यम से अपन प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है इसी के माध्यम से, इफ इल्स के माध्यम से किस प्रकार से एक प्रोग्राम होता है वो देखो। तो प्रोग्राम मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ कि प्रोग्राम नंबर वन, और यहाँ लिख रहे हैं कि प्रोग्राम टू प्रिंट डिफरेंस ऑफ टू नंबर, यानी इसमें आपको दो नंबर का क्या करना, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने का मतलब कि जैसे नंबर वन और नंबर टू, तो नंबर वन की वैल्यू एंटर कर देंगे और नंबर टू की वैल्यू एंटर कर देंगे और उन दोनों में से कोई भी वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना। तो पहले तो क्या करेंगे, जैसे लिखेंगे हैशटैग, ठीक है, क्या लिखेंगे पहले हैशटैग, और यहाँ लिखेंगे प्रोग्राम। अब जैसे प्रोग्राम का नंबर कौन सा, वन, तो वन, फिर हैशटैग, और करना क्या है तो लिखना है डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो लिख दीजिए यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टू नंबर, लिख दिया। अब इसमें से टू नंबर का डिफरेंस निकालना है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इन नंबर को एंटर करेंगे। जैसे माना कि टू नंबर कौन से, तो नंबर देखो वन, ये ए हो गया एक नंबर और बी हो गया दूसरे नंबर, ये दो नंबर आ गए हमारे पास, तो यहाँ लिख दीजिए ए इज इक्वल टू। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमें कोई बिना डेसिमल वाली संख्या लेनी तो वो इंटीजर में आते हैं, तो यहाँ लिख दो इंटीजर। अब इनमें क्या करना, इनपुट, तो यहाँ लिख दीजिए इनपुट। अब यूजर को मैसेज भेजने के लिए लाइन लिख दीजिए यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद कोष्टक बंद। फिर क्या करना, बी का ऐसे कैसे लिख दीजिए, बी इंटीजर, फिर कोष्टक इनपुट, फिर कोष्टक बंद, फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ लिख दीजिए एंटर द वैल्यू ऑफ बी, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा और सेमी कॉलन से बंद। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपने, क्यों नहीं आना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना आपने, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने दो वैल्यू पूछ रहे थे, दो नंबर, वो दो नंबर हमने इनपुट कर दिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस के लिए लिख दिया हमने DIFF डिफरेंस। अब इसमें से कैसे निकालना है कि इक्वल इक्वल करके देखो, डबल इक्वल कर दिया, और यहाँ पर जो डिफरेंस निकालना है कि उसमें से जो नंबर वन है, कैसे डिफरेंस निकालेंगे कि जो नंबर वन है उसमें से नंबर टू माइनस कर देंगे। तो नंबर वन कौन सा है, जैसे मान लो ए,
तो ए माइनस सब्ट्रैक्शन बी, ठीक है, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब ये डिफरेंस कैसे, तो इसको प्रिंट करना है, यहाँ लगा दो प्रिंट फंक्शन कोष्टक, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और करना क्या, जैसे द डी आई इज इक्वल टू या डी आई ऑफ किसका है, नंबर वन का और नंबर टू का, तो कॉमा ए कॉमा, फिर उसके बाद एंड वापस इन्वर्टेड कॉमा, फिर सिंगल कॉमा, फिर बी, फिर सिंगल कॉमा, और फिर डबल कॉमा इज इन्वर्टेड कॉमा, फिर सिंगल, और करना क्या निकालना, डी आई डबल एफ इज इक्वल टू कोष्टक वन, ये हमारा हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब इसी के माध्यम से अब हमें क्या करना है कि एक फ्लो चार्ट बनेगा, ठीक है। अब फ्लो चार्ट में देख के जैसे मान लो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस प्रकार से, तो जिसमें अपन कहते हैं ना वो कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो इसी का अपन एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। और फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें पता है कि पहले लगता है स्टार्ट, ये लो स्टार्ट, फिर उसके अंतर्गत क्या करना होता है कि हमें वैल्यू को इनपुट करना होता है, ठीक है। तो माना कि वैल्यू को इनपुट करने के लिए ये बॉक्स ले लिया हमने, ऐसे लेते हैं ना, जो इनपुट और आउटपुट बॉक्स कहा जाता है, जैसे माना कि ये लिया, अब इसके अंतर्गत हमने इनपुट किया, तो लिखा इनपुट कौन सा, ए और बी, तो ए और बी। अब इसके अंतर्गत क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि इस प्रकार का एक कोष्टक बनाते हैं, और कोष्टक में अप्लाई करते हैं कि इज ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, यानी ए ग्रेटर देन बी, अगर माना कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बड़ा होना चाहिए किसे, बी से। अगर ए बी से बड़ा है तो फिर ये कोष्टक निष्पादित हो जाएगा, कौन सा, वो अपन यहाँ अप्लाई कर देते, ये वाला डी डबल आई एफ इज इक्वल टू ए माइनस बी, अगर बड़ा है तो, यस हो गया, और अगर बड़ा नहीं है तो फिर ये वाला डिफरेंस जाएगा, और ये वाला क्या जाएगा कि कोष्टक बनाओ और कोष्टक में लिखो डी आई डबल एफ इज इक्वल टू बी माइनस ए, अगर ए बड़ा है तो फिर ये निष्पादित हो जाएगा, और ए बड़ा नहीं है तो, अगर बी बड़ी है तो फिर ये निष्पादन हो जाएंगे। अब अगर ऐसा है तो ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए प्रिंट क्या डिफरेंस डी आई डबल एफ। अब अगर ए बड़ा हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर ए बड़ा नहीं होता तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा, तो बी बड़ी होगी तो ये प्रिंट कर लो, ठीक है, और प्रिंट होने के बाद इसको कर दीजिए स्टॉप, तो यहाँ लिख दीजिए स्टॉप, ठीक है। तो ये एक अपना हो गया प्रोग्राम, ठीक है। अब अपन इसी का एक दूसरा प्रोग्राम और लेते हैं जिसमें इफ का उपयोग करेंगे, और फिर तीसरा प्रोग्राम लेंगे जिसमें इफ और इल्स दोनों का उपयोग करेंगे, ठीक है। एक अपन यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, और एग्जांपल में ये लिया कि सपोज आपको वोट देने जाना है, ठीक है, और उसमें ये करना है कि इफ द एज एंट्रेड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन 18, यानी एक यूजर को एज एंटर करनी है, और वो एज कितनी होनी चाहिए, 18 से अधिक। तो जब 18 से अधिक होगा तो फिर उसमें प्रिंट क्या करना है कि यूजर इज एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना क्या कहा कि भाई आपको ये करना है, ये तो करनी एंटर। दूसरा इसी में कहता है कि फिर आपको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, वो देखो कि प्रिंट दैट द यूजर इज एलिजिबल टू वोट, यानी वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो अब उस स्थिति में, यानी पहले मैं तो कहा कि भाई यूजर को एक एज इनपुट करनी है, और एज इनपुट भी कितनी करनी है, 18 से अधिक। फिर कहा कि जब 18 से अधिक एज इनपुट हो जाएगी तो वो क्या प्रिंट हो जाएगा, वोट देने के लिए। तो जैसे हैश टैग
लिखो प्रोग्राम और लिखा सेकंड, फिर हैशटैग क्या करना है, एज एंटर करनी है तो लिख दीजिए द एज एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है। तो फिर यहाँ लगा दीजिए एज इक्वल, एज किस में आएगा इंटीजर में, तो यहाँ इंटीजर क्या करना इनपुट, तो यहाँ लगा दीजिए इनपुट, फिर कोष्टक, फिर इनविटेड कॉमा और लिख दीजिए एंटर योर एज या एंटर योर एज, फिर उसके बाद इक्वल इनविटेड कॉमा सेमी कॉलन से बंद कर दीजिए। फिर अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाना है कि वो एज भी कितनी एंटर होनी चाहिए, 18 से अधिक नहीं, तो इफ एज ग्रेटर देन इजिकल टू 18, ठीक है। तो प्रिंट क्या करना है कि जब 18 से होगा तो वो लिखा आएगा द यूजर इज एलिजिबल टू वोट, तो प्रिंट ठीक है, फिर लिखा आएगा एलिजिबल टू वोट, कष्ट करो बंद। अब इसमें तो क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आया, अब उसी का एक अपन सेकंड प्रोग्राम ले, ये जो हमने उपयोग किया कि इसमें क्या सिर्फ इफ स्टेटमेंट का, अब अगर इसी का अपन सेकंड ले यानी प्रोग्राम नंबर 3 और वहाँ पर उपयोग करेंगे अपन इफ इल्स स्टेटमेंट का, तो कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस फर्क क्या रहेगा कि वो एलिजिबल है या नहीं। तो मतलब प्रिंट में दो ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि या तो वो एलिजिबल है या फिर वो एलिजिबल नहीं है। तो देखो आपको करना क्या है, तो इसके लिए अपन प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम सेम टू सेम, प्रोग्राम 3, फिर उसके बाद वही हैशटैग द एज एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है। फिर उसके बाद एज, एज किस में आ जाएगी इंटीजर में, तो यहाँ इंटीजर, फिर क्या आएगा इनपुट, तो यहाँ इनपुट, फिर क्या आएगा कोष्टक बंद और एंटर योर एज, फिर इक्वल इनविटेड या कोष्टक बंद। अब क्या करना है, जैसे इप लगा इप, ठीक है, और इप में हमने कंडीशन अप्लाई की एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, तो प्रिंट हो जाएगा आपका कि एलिजिबल टू वोट, यानी वोट के लिए वो एलिजिबल हैं। और इल्स लगाओ, और इल्स में क्या लिखा जाएगा, प्रिंट कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ लिखा जाएगा नॉट एलिजिबल टू वोट, यानी वोट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये जो प्रोग्राम होगा, ये जो स्टेटमेंट है सिलेक्शन स्टेटमेंट के, जब हमारे सामने दो या दो से कोई अधिक विकल्प हो तो उन विकल्प में अपन इस प्रकार से क्या बना सकते हैं, प्रोग्राम प्लस फ्लोचार्ट, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो रह गया वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो अब आपको ये जो मैंने पढ़ाया है इसको आप एक बार अच्छे ढंग से देख लेना, जहाँ आपको समझ में नहीं आया वो आप नोटबुक में नोट डाउन कर देना, और अब वैसे भी 18 तारीख से अपनी स्कूलें खुल रही हैं, तो फिर उसमें आप जब किसी को अगर कोई डाउट है तो फिर स्कूल में आके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।